सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं टेंपल कॉम्पोजिशन और इसमें हम बनाने वाले हैं आज केदारनाथ टेंपल। तो पहले मैंने इसे स्केच कर लिया है एंड नाउ आई एम अप्लाइंग वाटर और इसमें मैंने ब्लू कलर ऐड किया है वाटर में एंड देन द सेम थिंग आई एम डूइंग इन द ग्राउंड पार्ट। इसमें मैंने पहले पानी अप्लाई किया है, उसके बाद नाउ आई एम अप्लाइंग कोबाल्ट ब्लू कलर और इसको हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और इसमें मैंने बॉटम पार्ट में थोड़ा डार्कर टोन रखा है और थोड़ा अपर पार्ट में लाइटर टोन रखा है, तो इसी तरह हम इसको कलर अप्लाई करेंगे। सो बॉटम पार्ट को डार्क करने के लिए मैंने इसमें और कलर ऐड किया है सिर्फ बॉटम पार्ट में एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द मिक्सचर ऑफ पर्पल एंड ब्राउन कलर इन द टेम्पल पार्ट। सो हम इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे पूरे टेम्पल में। Now I'm adding orange color. While the purple color is still wet, I'm applying orange उसके ऊपर से। इसको हम वेट ऑन वेट टेक्निक कहते हैं एंड हम इसको जहाँ जहाँ मुझे ये कलर चाहिए मैंने वहाँ वहाँ पर अप्लाई कर लिया है। एंड नाउ आई एम पिकिंग अप द कलर। मैंने एक साफ ब्रश से, क्लीन ब्रश से मैंने कलर को पिक किया है क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़्यादा डार्कर टोन्स नहीं चाहिए थी। And now I'm applying a particular darker shade of purple and brown color. एंड नाउ आई एम मेकिंग दी शेडो। इसमें मैंने लाइट पर्पल कलर यूज़ किया है जिसको मैंने पानी के साथ ऐड ऑन करके अप्लाई किया है ताकि लाइट शेड आए। एंड सेम इसमें मुझे जहाँ पे डार्कर टोन चाहिए मैंने वहाँ पे कलर दोबारा से ऐड कर दिया है। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दी ब्राउन पार्ट। इसमें मैंने पहले येलो ऑकर ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसमें पर्पल और ब्राउन का मिक्सचर ऐड किया है टू गिव अ डार्कर टोन एंड एट लास्ट आई विल बी अप्लाइंग सम ब्लैक जहाँ पे बिल्कुल डार्केस्ट टोन है। एंड नाउ अप्लाइंग द डार्कर टोन्स ऑफ ब्राउन एंड पर्पल। जहाँ पे भी मुझे ज़्यादा डार्क दिखाना है ब्राउन और पर्पल के डार्कर शेड से भी ज़्यादा, वहाँ पे मैंने ब्लैक का पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है और उसे मैंने अप्लाई किया है।
एंड नाउ मैंने इसमें स्केचेस किए हैं ह्यूमन फिगर्स के, एंड हम उसमें कलर अप्लाई कर रहे हैं. तो आई एम यूजिंग रेड एंड ब्राउन फॉर द डार्कर पार्ट्स, एंड मैं इसमें शेडो क्रिएट कर रहा हूँ लाइट पर्पल कलर से. एंड नाउ मेकिंग एन अम्ब्रेला विद डार्क पर्पल कलर, और इसकी हम शेडो भी क्रिएट कर लेंगे. एंड इसी तरह मैंने बाकी सभी फिगर्स में कलर ऐड किया है, पहले लाइटर टोन एंड देन डार्कर टोन, एंड उसके बाद उनकी शेडोज़ को क्रिएट किया. Now I'm using red color for the flag part. And now I'm making some birds with black color. And now I'm drawing the ground part. तो हम इसको perspective में draw करेंगे. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द कलर. तो इसमें मैंने पर्पल और ब्लैक का मिक्सचर यूज़ किया है. एंड नाउ आई एम मेकिंग सम बर्ड्स. अब मुझे ह्यूमन फिगर्स की शेडोज़ थोड़ी डार्क करनी थी, तो आई एम अप्लाइंग दी डार्कर पार्ट. तो शेडो जो है वो डार्क जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे रहेंगे, और जितना दूर जाएगा उतना लाइट हो जाएगा शेडो. एंड फाइनली आप पेंटिंग इज़ कम्प्लीट. तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना.